एक एक्टर अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपनी इमेज और अपनी छवि को बना के रखने की कोशिश करता है। एक एक्टर कभी भी अपने सच्चे किरदार को दुनिया के सामने लेकर के नहीं आता है। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो जब जब अपनी भूमिका को लोगों के सामने लेकर के आता है, वो जब जब लोगों को बताता है कि मैं इस तरीके से काम करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं दिखता ऐसा हूं, मैं रहता ऐसा हूं, लोग उसको पल पल पे जज करते हैं, पल पल पर उसके जेस्चर्स को, उसके उठने को, बैठने को, बात करने को जज करके और बोलते हैं कि ये साला यहां पे एक्टिंग कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रुबीना दिले की, जिसे हर पल, हर क्षण, हर मिनट में अपने आप को जज करवाना पड़ा। वो घर के अंदर आई, सबसे पहले उसको फाइनल नहीं किया गया, जो फिट सदस्य, जो भी सदस्य जा रहे थे उसके अंदर, वो बाहर रही। उसने सिद्धार्थ शुक्ला से सीधा पंगा लेना शुरू किया। मेरे को नहीं पता अगर ऐसा होता है तो, मैं नहीं कर सकती अगर ऐसा होता है तो। उसने लड़ना वहीं से शुरू कर दिया, डंका बजा दिया और कह दिया आ गई है यहां पर रुबीना दिलेक, जो किसी की भी नहीं सुनेगी, लाखों में एक, जिसका नाम है रुबीना दिलेक। और रुबीना दिलेक ने अपने झंडे गाड़ने शुरू किए। उसका बिग बॉस से भी झगड़ा हुआ, उसने क्लियर कह दिया अपने को कोई टास्क वास्क नहीं करना, जब घर का मुखिया बोल रहा है कि अपन गलत है तो भैया फिर इस गेम के अंदर रहना ही नहीं, अपन को नहीं करना। सलमान खान सर को भी कहा मैं अपनी बात रखना चाहती हूं, ऐसे ऐसे करके हाथ हर समय उठाती, हर समय हर किसी के बीच में ला करके बोलती कि नहीं नहीं यहां पर यह सही चीज नहीं है। व्यक्तित्व, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, अकेले में रहना, रोना, पति का नहीं समझना, सलमान सर का नहीं समझना, बिग बॉस का नहीं समझना, जनता का नहीं समझना, राहुल का नहीं समझना, अली का नहीं समझना, निकिता मोली का नहीं समझना, एजाज खान का नहीं समझना, और न जाने घर में कितने सारे और लोगों का उसको नहीं समझना, उसके बावजूद भी अपने एटीट्यूड के अंदर 1% भी चेंज नहीं लाना रुबीना दिलेक का काम था और कोई नहीं कर सकता था। वक्त आने पर जब उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा, वक्त आने पर जब उसने अभिनव की भी बहुत सारी बातें सुनी कि अभिनव ने भी उसको कई बार हैमरिंग की, कई बार उसको टॉर्चर करने की कोशिश की, छोटा मोटा टॉर्चर ही किया, चाहे अपनी बातें बोली, चाहे उसको कहा कि तहीं तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, सबकी सुनती हो, मेरी कैसे नहीं सुनोगी, हर वीकेंड पर उसके साथ में बैशिंग हुई, लेकिन वो लड़की एक दिन के लिए टूटती, एक घंटे के लिए टूटती, या एक ज्यादा ज्यादा कुछ देर के लिए टूटती और वापस खड़ी होकर के तैयार हो जाती, टास्क के अंदर नाचती है छोटे बच्चों की तरह, इतनी बड़ी लड़की होकर के चिल्लाती है जोर जोर से आक्रमण, और जिस तरह की हरकतें करती है रुबीना दिलेक, आप जबरदस्त है। पल पल कसौटी जिंदगी की जीती हुई इस घर के अंदर आप आई, आप कप्तान नहीं बनी, आपको उसके ऊपर सुनना पड़ा। आप घर में टास्क में अगर अपना 100% नहीं दे पा रही थी क्योंकि आप झगड़े, लड़ाइयां और फालतू की चीजों से दूर होना चाहती थी, आपको सुनना पड़ा। आप घर की बड़ी हैं, आप घर की समझदार हैं, आप अपने आप को टीचर समझती हैं, आपकी बातें बहुत ऑथेंटेटिव हैं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, आप किसी की बात नहीं सुनती, आप टीचर हैं, आप ज्ञानी हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हुई, लेकिन आपने अपने अंदर टस से मस नहीं दी, कोई चेंज नहीं आने दिया, सिर्फ अभिनव के कहने पे आपकी आंखें चलकी, बाकी कोई आपको रुला नहीं पाया। उस दिन आप घर के बारे में अच्छा सोच रही थी कि आप ये कह रही थी कि अरे अंडे बंद हो गए हैं क्योंकि बार बर्ड फ्लू चल रहा है, तो घर के प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो उस बारे में आप सोचो, लेकिन सारे घर ने मिलकर के आपको समझा नहीं, आपने अकेले में बैठ करके बोला यार ये लोग मुझे समझ नहीं रहे। और निक्की तंबोली को फाइनल के अंदर जाकर के आपका इम्यूनिटी देना, जो जो आपके पास आया, आपका ये मतलब मंत्र मुक्त भगत बन के चला गया, वो आपका मित्र बन गया, आपका दोस्त बन गया, लोगों ने लोगों को बताया गया अरे भैया कब तुम इसके चमचे बन गए, कठपुतली बन गए, कब तुम इसके पीछे पीछे चल लिए, कब तुम इसके साले अंदर घुस गए, तुमको पता ही नहीं चला। उसके बावजूद भी आपने कभी भी, सारी दुनिया ने आपको कभी भी इस चीजों का आपने ये नहीं कहा कि हाँ मैं ऐसा करती हूं, मेरी स्टाइल है, आपने यही कहा मैं सिर्फ बात करती हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र गलत हो या सही हो, मैं उनको पब्लिक के सामने नहीं बोलूंगी, उस समय यही कहूंगी ऐसा हो रहा है और अकेले में जाकर के अपनी बात करूंगी। अभिनव से कभी आपने बदतमीज से बात नहीं की, राहुल कृष्ण वैद्या और आपकी लड़ाइयों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी बहुत ज्यादा कुछ गलत कर दिया, एक्सेप्ट एक धक्का देने की वाली बात पे आप गलत थी, आपने धक्का दिया था। और जैस्मिन को आपने फेवर किया तो आपने 100% ये बोल दिया कि मैंने जैस्मिन को इसलिए फेवर किया था, मेरा दोस्त चाहे सही हो या गलत हो मैं उसका फेवर करती हूँ। सो आपकी जर्नी कमेंडेबल है, आप जबरदस्त हैं, आपने बेहतरीन वाला खेल खेल के दिखाया, मजा आ गया मुझे सीजन के अंदर आपको देख करके। एक ऐसी शख्सियत से मैं मिला जिसके अंदर अपना इतना सेल्फ पोटेंशियल है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आप अपने आप में मिसाल है कि पहाड़ों से आने वाली लड़की जिसको मैंने भी शुरू में 50 दिन तक जज किया था, ये पहाड़ों से आने वाली लड़की सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। मजा आ गया मैडम आपकी जर्नी को देख करके। जैसा कि बिग बॉस ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को रुबीना को रुबीना से ही मिला, मगर मैं आपको कह रहा हूं आपकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों का कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाया और लोगों को मजा आ गया, और आप दोनों कपल को देख करके तो और भी ज्यादा मजा आ गया। वेरी गुड एंड ब्यूटीफुली प्लेड मैडम, आप जीतती है।